से आप सिंपल टैक्स से आपने मुझे बोलने का मौका दिया अमेंडमेंट पे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का आभार करना चाहता हूँ कि उन्होंने काफी लंबे समय से जो दिक्कत वस्त्र उद्योग में आ रही थी और छोटे उत्पादकों को जो ज्यादा यूनिट के मुकाबले देना पड़ रहा था उसका करेक्शन आपने किया और उन छोटे उत्पादकों को रिफंड की एलिजिबिलिटी दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जो आपका जो अभी टैक्स जीएसटी काउंसिल ने जो अमेंडमेंट किए और उसके लिए जो ये अमेंडमेंट लाए, इसके लिए भी जो प्रॉब्लम जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जीएसटी का मतलब गुड एंड सिंपल टैक्स और इसको सिंपलीकरण करने के लिए ही सरकार ये अमेंडमेंट ला रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो विपक्ष के साथी वो कह रहे हैं कि वही लाए थे, लेकिन जो आज इसमें जो दिक्कत कोई भी नया टैक्स कोई भी नया सिस्टम जो शुरू किया जाता है वो उसके लिए हिम्मत चाहिए और उसमें जो आने वाली क्योंकि जो प्रधानमंत्री की इच्छा है कि सिंपल टैक्स बने, गुड टैक्स बने, किसी को हरासमेंट न हो और ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन हो और इसी उद्देश्य से ये टैक्स लाया गया है और उसी उद्देश्य को आज ये क्योंकि एक साल से ज्यादा हो गया लागू हुए और उसका कारण जो उद्योगों में और जो उद्योगों में और जो व्यापारियों में हर्ष व्याप्त है, क्योंकि आप जैसे एक्सपोर्टर जो इनका टैक्स का रिफंड आ रहा था शुरू शुरू में कोई दिक्कत की वजह से लेट हुए, लेकिन सरकार के निर्णय के कारण आज एक्सपोर्टरों को उनका टैक्स का रिफंड विद इन 15 डेज बिना कहीं जाए हुए और उसमें रिफंड मिल रहा है। और ये आपको जो इसके अलावा जो भी आज इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है, जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया था कि पहले एक राज्य में एक व्यक्ति कोई काम कर रहा था उसकी अलग अलग ब्रांचें थी तो उसको हर जगह एक ही टैक्स में काम नंबर में काम चलाना पड़ा था, उसके कारण उनको प्रैक्टिकल दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसमें जो है यह अमेंडमेंट तो था कि अगर वो अलग अलग बिजनेस कर रहा हो तब तो वो अलग अलग नंबर ले सकता था, लेकिन एक ही बिजनेस एक ही राज्य में अलग अलग जगह कर रहा हो तो एक ही नंबर में करना पड़ता था और इस अमेंडमेंट के मार्फत उन्होंने यह सुविधा दी कि अब वो चाहे तो अलग अलग नंबर भी ले सकता है काम करने के लिए। इसके अलावा एक्सपोर्टरों को काफी दिक्कत आ रही थी, माननीय मंत्री जी ने शेड्यूल 3 में 2 आइटम और जोड़े जीएसटी काउंसिल के रिकमेंड के मार्फत कि जो सीज ट्रेड करते हैं जो एक व्यापारी जो भारत का है वो दूसरे देश से खरीद के तीसरे देश में बेचे तो उसको सेल्स नहीं माना जाएगा और इसका कारण जो एक्सपोर्टर जो माल बाहर से मंगा के बाहर ही बेचते हैं उनको जीएसटी से मुक्त रखा गया। इसी तरह बाहर से कोई आया हुआ माल कस्टम हाउस में पड़ा होता है वेयर हाउस में कस्टम के और अगर वो वहीं से बेच जाता है तो उसको भी जीएसटी के लिए नहीं माना जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जीएसटी की परिभाषा में जीएसटी में जो परिभाषा दी गई है एक्सपोर्ट की उसमें जो उन्होंने ये एक ही काम लिखा था पहले कि जो फॉरेन करेंसी में पैसा आया उसको ही एक्सपोर्ट मानेंगे, लेकिन इस अमेंडमेंट में भी जो रुपया जिसको आरबीआई अप्रूव करती है उस एक्सपोर्ट को अगर पेमेंट रुपए में भी आया